आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो हमने लास्ट क्लास में माइक्रो की थ्योरिकल पार्ट को समझा था। आज हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो कि है रिकॉर्डिंग माइक्रो से रिलेटेड। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि रिकॉर्डिंग माइक्रो एक फीचर है कि आप रिकॉर्ड पे क्लिक किए और आप कुछ भी करते हैं उसका एक्शन क्रिएट करता है यहाँ पे, मतलब उसका कोड क्रिएट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे पूजा लिख के एंटर मारा, स्टॉप किया, तो आप जाके देखेंगे कि इसने एक कोडिंग की जिसमें कोड लिखा कि पूजा। हाँ, इसने कोड थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोड कर देता है क्योंकि एक ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है, लेकिन जब हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, दो क्वेश्चन इसमें उठ के आता है। पहला कि जब रिकॉर्डिंग माइक्रो खुद को रिकॉर्ड कर देता है तो फिर हम कोडिंग क्यों सीखें। इसका सोल्यूशन ये है, इसका क्वेश्चन आंसर ये है कि सर रिकॉर्डिंग माइक्रो के अंदर लिमिटेशंस नहीं होते हैं, मतलब कि कंडीशंस लिमिटेशन होते हैं, कंडीशंस नहीं होते हैं, रिपीटेशंस नहीं होते हैं, डायनेमिक नहीं होता। जैसे मैंने पूछा लिखा है डी टू पे, तो हमेशा डी टू पे ही टाइप होगा, ये डी एफ टू पे या एफ थ्री पे टाइप नहीं करेगा, ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे हमें अपनी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन आता है तो फिर इसका यूज क्या है। देखिए, इसके दो यूज है। पहला ये कि आप इसको एज ए डिक्शनरी के तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोडिंग का कोई रिपोर्ट बना रहे हो और पेस्ट स्पेशल का कोड आप भूल गए हो, तो आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल जो अप्लाई करना कर दीजिए। अब इसका कोड जो है रिकॉर्डिंग माइक्रो ने जनरेट कर दिया। अब इस कोड को देख के आप समझ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो में आपने कहाँ गलती किया है अपनी कोडिंग में, जिस कारण से आपका वर्क नहीं कर रहा है। तो एक तरह से डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए मैंने वीवीए सीख लिया तो क्या इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वीवीए सीखने के बाद भी रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज करते हैं कोडिंग को कम करने के लिए। अब कैसे, इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट आपके साथ करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो हम आ रहे हैं अपने, हम क्या करें, एक डेटा ले रहे हैं, चलिए तो इसी का हम डेटा ले लेते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 8,000 से ऊपर का रो अप का डेटा है। अब मुझे एक एक जो है माइक्रो बनानी है। क्या है कि ये जो एक्सेल आप देख पा रहे हैं, ये फाइल, ये डंप डेटा है, जो फाइल जो है डंप डेटा है। मुझे अपने इस डेटा में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट के डेटा निकाल के मेल करनी होती है। जैसे कि जोन वाइज, मान लीजिए कि जोन वाइज मेल करना होता है। अब साउथ जोन का हैंडल मुझे फोन करता है, कहता है कि मुझे साउथ का डेटा दे दो, तो साउथ जोन का जो टीएल है, हैंडलर है, उसको हम डेटा निकाल के दे देते हैं। तो मैं एक ऐसा माइक्रो बनाना चाहता हूँ कि जैसे मैं रन करूँ मुझसे जोन पूछे, मैं वो जोन डालूं और उस जोन का डेटा कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट करके एक लोकेशन पे सेव कर दें। राइट सर, तो करना क्या है, समझ में आ गया आपको। चलिए, यस यस, समझ में आ गया जी। अब इसकी रिकॉर्डिंग माइक्रो करते हैं। देखिए, जब रिकॉर्ड माइक्रो यूज कर लें तो कोई भी स्टेप को मिस ना करे और कोई फालतू का स्टेप ना करे। जैसे मैं A1 पे क्लिक किया और यहाँ पे फिल्टर लगाया, उसके बाद हम गए यहाँ जोन पे फिल्टर सेलेक्ट किए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ईस्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब फिर रिकॉर्डिंग हमें मैक्रो करने के लिए शॉर्टकट्स जो भी यूज करते हैं वो भी कंसिडर करेगा, नहीं जी तो हाँ जी हाँ उससे मतलब ओनली नहीं, हमें। उससे मतलब नहीं। शॉर्टकट क्या किए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मुझे डेटा सेलेक्ट करना है, तो मैं डेटा माउस से सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माउस सेलेक्ट करूंगा तो एक रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैं सेलेक्ट करेक्ट। करना, मैं सेलेक्ट करूंगा कीवर्ड का शॉर्टकट जो कि कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन आ जाए। हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, तो पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इसमें जो है ना डेटा कॉपी करना। आप देखिए, जब भी फिल्टर का डेटा कॉपी करते हो ना, तो सिलेक्ट करने के बाद और कॉपी करने से पहले हमेशा गो टू ए स्पेशल में विजुअल सेल्स को जरूर कॉपी कर लीजिए। जैसे गो टू ए स्पेशल और हमने यहाँ पे लिखा विजुअल सेल्स ओनली, तो जितने विजुअल्स है ना सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे, पीछे का जो हिडन डेटा है वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये आपकी डेटा में एक्यूरेसी की चांसेस बढ़ा देता है कि कॉपी करते समय पीछे का डेटा कॉपी नहीं करेगा। मैंने इसको कॉपी किया। अब मेरे पास ऑलरेडी दो तीन सीट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं डेटा पेस्ट करूंगा एक नई सीट ऐड करके। क्यों, क्योंकि ये सीट अभी है, फ्यूचर में रहेगा, इसकी गारंटी थोड़ी है।
इसलिए मैं अपना खुद का एक ऐड किया और फिर यहां इसका नाम दे दिया ईस्ट। अब मुझे इस डेटा को मूव करना है, मैं यहां पे मूव एंड कॉपी पे गया और यहां एक नई फाइल किया, तो क्या करेगा इसको एक नई फाइल में मूव कर देगा, बट कॉपी पे क्लिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे मूव करना है। क्लिक करके मूव किया तो एक नई फाइल में देखिए मूव हो गया। अब इस फाइल को सेव करना है एक लोकेशन में जो कि है हमारा मान लीजिए एफ 2022 और इसमें मैंने ईस्ट लिखा और एक्सटेंशन डॉट एक्सलेस एक्स सेलेक्ट करके हमने सेव कर दिया, सेव हो गया और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। यहां से क्लोज होके फिर हम डेटा सीट पे आ गए जो डेटा सीट और फिल्टर को हटा दिया। अब यहाँ हमारा परफेक्टली कोड वर्क हो गया, तो स्टॉप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही है ये माइक्रो अभी वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, चलिए इसकी कोडिंग को समझते हैं। जब एडिट करते हैं तो ये आपकी इसकी कोडिंग आ रही है। अब एक ही कोडिंग को समझिए क्या कर रहा है। सबसे पहले डेटा को क्या कर रहा है, A1 को क्लिक कर रहा है, क्या कर रहा है A1 पे क्लिक कर रहा है, फिर ये ऑटो फिल्टर अप्लाई कर रहा है और फिर वापस से फिल्टर अप्लाई कर रहा है। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ गई ना सर, क्योंकि आप एक्सेल में एक बार फिल्टर अप्लाई की फिर दोबारा अप्लाई करते हैं तो फिल्टर क्या हो जाता है, डिसअप्लाई हो जाता है, निकल जाएगा फिल्टर। तो सही है, यहाँ पे भी हमें इसको हटाना पड़ेगा। इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर एक्टिव शीट डॉट रेंज A1 से इतना। अब प्रॉब्लम ये है कि तो फिक्स हो गया रेंज, क्योंकि डेट में रेंज बढ़ेगा तो फिल्टर वहां पे जाएगा ही नहीं। लेकिन जब मैंने फिल्टर लगाया था तो कोई रेंज सिलेक्ट नहीं किया था, हमने जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एल्ट प्रेस कर दिया था A1 पे कर्सर रख के। तो जाहिर सी बात है कि वो करेंट रीजन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक्स्ट्रा, हम सिर्फ A1 रखते, A1 लगा के फिल्टर लगा देते वर्क कर जाएगा। फिर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया डेटा को, हम गो टू विजुअल किए पेस स्पेशल सिलेक्ट स्पेशल में, हमने सिलेक्शन में कॉपी किया, हमने एक नई सीट को ऐड किया और यहाँ पे ऐड पेस्ट कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, अब नीचे प्रॉब्लम हो। अब ये देख रहा है सीट फोर डॉट सिलेक्ट। अब सीट फोर क्या था, जो सीट मैंने सिलेक्ट किया था वही सीट फोर था जो ऐड किया था एक नया सीट। अब हर बार सीट फोर ही ऐड होगा गारंटी है इसका सर, नहीं नहीं होगा ना, नया शीट करेक्ट है, हटा देते। अब यहाँ देखिए कि जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव होता है, और यहाँ पे देखिए एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, पेस्ट करने के लिए भी एक्टिव सीट ले लिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर सीट नहीं लिया है। तो मैं रिनेम करने के लिए भी हम एक्टिव सीट ले सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की बात जो पिछली क्लास में कहा जाता है इसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हालांकि कल की क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से समझाऊंगा। तो ये हमारा हो गया, हमने किसी डॉट नेम कर दिया, इस्ट को हटा दीजिए, इस्ट तो नहीं चाहिए हमें, ए कट को भी मोड फॉल्स होता है, एस्केप प्रेस करते हो रहा इस्ट डॉट मूव, तो इस्ट डॉट मूव हटा देता हूँ क्योंकि इस्ट तो पर्टिकुलर सीट हो गया ना, तो एक्टिव सीट मूव कर देता हूँ क्योंकि एक्टिव सीट पे ये भी है। अब यहाँ पे इसने सेव किया है फाइल को, ठीक है इस्ट का, और यहाँ पे वर्कबुक डॉट क्लोज सीट 1 पे आए और ऑटो फिल्टर हटा के A1 को सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा माइक्रो परफेक्टली वर्क करेगा, लेकिन वो हमेशा ईस्ट का ही ईस्ट का ही निकालेगा। अब मुझे यहां हमने भी क्या किया, हमने अनवांटेड कोड जो डायनेमिक करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उसको क्या किया, रिमूव किया, ठीक है ना, और चेंज किया। अब हम बात करते हैं एडिशंस, इसमें कुछ कोड हम ऐड करें, जैसे कि हमें चाहिए पॉपअप कि जैसे रन करो उसे पूछे कि कौन सा जोन चाहिए, तो मैंने लिखा m इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां हमने लिख दिया एंटर जोन नेम। तो ए क्या होगा, एक पॉपअप देगा और पॉपअप पे जो हम टाइप करेंगे वो एम पे स्टोर होगा। अब एम क्या है, जनरली आप लोग जब किसी कोई कोड लिखते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत से जगहों पे यूज किया होगा डिम आर एज ए रेंज, आर एज ए इंटीजर, किसी को डेटा टाइप कहते हैं। तो फिलहाल मैं डेटा टाइप को डिफाइन नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स वाई जेड लिख देते हैं, जैसे लिख दिया एक्स इक्वल टू 100 और जहां जहां हमें एक्स
100 की जरूरत है, वहां हमने एक्स ले लिया। उसी तरीके से हमने बोल दिया कि एम जो है इनपुट बॉक्स पे डाली गई वैल्यू है। अब जहां जहां मुझे जोन की जरूरत होगी वहां वहां हम सिर्फ एम लेंगे। क्या लेंगे? एम, ठीक है। बट यहां पे एम अगर लिख देंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि ए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है सर? करेक्ट, तो करेक्ट। एम नाम का ही फाइल बना देगा, एम पे स्टोर की वैल्यू को रीड नहीं करेगा, वो ये ना समझेगा कि एम एक वेरिएबल है, एक डेटा टाइप है, वो इसको टेक्स्ट समझ लेगा। करेक्ट। तो इसको हमने कॉन्केट कर दिया इस तरह से अलग करके। तो अब क्या होगा, ज्वाइन होके एक कंप्लीट पाथ बना देगा। अब मेरा फाइल परफेक्टली रन करेगा। अब मैं यहां से इस माइक्रो को एक बार टेस्ट कर लेता हूँ साउथ का बना के। तो मैं रन करता हूँ इस पे। रन करने के बाद माइक्रोडेम जो इनपुट बॉक्स डाला था एसी का डाला था, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने डाला कोड ईस्ट का, ईस्ट ऑलरेडी किया है हमने, डाला साउथ का। साउथ जैसे ओके करूंगा एम पे साउथ स्टोर हो जाएगा, जहां जहां साउथ चाहिए वहां वहां एम उसको पार्सल कर देगा, और साउथ ऑलरेडी है, बन गया। आप जाके देखेंगे कि आपके एफ ड्राइव में साउथ का फाइल बन गया होगा। बन गया सर, अभी बनाया जस्ट, समझे सर? हाँ समझ गया। इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। एग्जिस्टिंग डेटा में से ओके साउथ रखना है, रेस्ट ऑल को डिलीट करना है, ठीक है, जो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हमें डायनेमिक कोड लिखना पड़ेगा ना, हमें साउथ को रीड करना पड़ेगा फिर डिलीट करना पड़ेगा ना। ना रेस्ट ऑल को डिलीट करना है, वो पर्टिकुलर रीजन को हमको डेटा सेम शीट में रहना चाहिए, उसको सेव एज करना है, ऐसा करना है, ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ये चीज हो सकती है। हमने आपको अभी काम नहीं बता, ये नहीं बताया कि कोड, अभी मैं आपको कोड नहीं समझा रहा, बस मैं रिकॉर्ड माइक्रो का यूज समझा रहा हूँ। ये सारे कोड को पहले मुझे एक्सप्लेन करना होगा, देन आप अपने तरह के माइक्रो के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना? तो मैंने आपको ये समझाया कि रिकॉर्डिंग माइक्रो बेनिफिशियल है तब जब आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, उसके रिकॉर्ड की माइक्रो के अंदर छोटी मोटी चेंजिंग करना जानते हैं, देन आप जो है रिकॉर्डिंग माइक्रो को यूज कर। जैसे देख सकते हैं कि एक इतना लंबा कोड था, हमें पूरा कोड लिखने की जरूरत पड़ी, हमने कुछ कोड को डिलीट किया, एक दो लाइन को चेंज किया, एक आध लाइन ऐड किया, और हमने एक परफेक्टली बना लिया, राइट? तो जब बड़े बड़े रिपोर्ट को हम ऑटोमेट करते हैं तो वहां पर रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग माइक्रो तभी तक आपके लिए बेनिफिट देता है जब तक आपको पता है कि माइक्रो प्रोग्रामिंग कैसे की जाए। नहीं पता तो फिर एक वेस्टेज है, यूजलेस है। समझ गए सर? समझ गए जी। अब हम बात करते हैं दो चीजों पे कि माइक्रो को रन, हमने कोई माइक्रो बनाया चाहे कोडिंग से बनाया और रिकॉर्डिंग से बनाया, उसको रन कैसे करेंगे। देखिए रन करने के पीछे, रन करने के लिए जो है मेरे पास तीन चार चीजें हैं। पहला कि मैं माइक्रोज पे जाता हूं, यहां से रन करता हूं, राइट सर? या मैं ऑप्शन पे आऊंगा और यहां पे अपना शॉर्टकट बना दूंगा, जैसे मैंने बना दिया कंट्रोल शिफ्ट क्यू, सॉरी हैंग हो गया, एक मिनट, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू कर दीजिए यहां पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो मेरा माइक्रो थ्री रन हो जाएगा। माइक्रो थ्री को रिनेम करना है तो रिनेम आप यहां से नहीं कर सकते, आपको एडिट पे जाना होगा और यहीं से यहां माइक्रो का नाम रिनेम कर सकते अपने हिसाब से, ठीक है? ओके डन। दूसरा कि मुझे कोई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जी हाँ, बटन के ऊपर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे कि आपके डेवलपर टैब के अंदर एक बटन है आपके पास,
और बटन में मैंने ये बटन लिया, इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट ओके करके सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। फिर इस पे जो नाम आते हैं उस नाम को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया सेंड, ठीक है, या क्रिएट या रन, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ये क्लिक करते रन कर जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से बना हुआ बटन हो, तो कस्टमाइज बटन होते हैं, ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मैं इंसर्ट में गया, इसलिए इलस्ट्रेशन में गया और यहां से मैंने सैप्स को लिया और यहां हमने सैप डिजाइन कर दी सर, और यहां पे बटन्स वगैरह ले लिया अच्छा खासा। अब मैं चाहता हूं कि मैं जब इस पे करूं तो मेरा मैक्रो रन हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे, हमें इस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, दिखा असाइन मैक्रो, दिखा दिखा, एक ही मैक्रो है उसको सेलेक्ट करके ओके कर ले, करेक्ट, और इसको सिलेक्ट करके आप ओके कर, आपका मैक्रो रन हो जाए। तो इस तरीके से मैक्रो को आप रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि मैक्रो के रन करते समय वही परिस्थिति होनी चाहिए जो परिस्थिति आपने रिकॉर्ड करते समय या कोड करते समय सोची है, देखिए या रही थी। जैसे मान लीजिए मैं सीट टू पे आके मैक्रो रन कर दूं तो मेरा मैक्रो वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मेरे कोड के अंदर शीट वन डेटा शीट पे जाने का कोड नहीं है। हाँ, अगर मैं डेटा शीट पे जाने का कोड लगा देता हूँ स्टार्टिंग में, देन हम जो है अब कहीं से भी रन कर सकते हैं, क्योंकि रन करते ही पहले डेटा शीट पे जाएगा, देन चीजों को नीचे की चीजों को अप्लाई करेगा। तो सिचुएशन जैसा आपने रखा है वैसा होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपको सिचुएशन पे जब तक पहुंचने का कोड इंसर्ट करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो और इसको एडिट करने का कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। अब इसमें जैसे आपने बोला कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये चीज है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग से कुछ हद तक हो सकती है, नहीं तो फिर उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सीखना होगा प्रोग्रामिंग, ठीक है, ओके। तो फिलहाल आप छोटे मोटे रिकॉर्डिंग का यूज कर सकते हो और उसकी इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हो, छोटी मोटी चेंजिंग को करके उसकी इम्प्लीमेंट को देख सकते हो। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थ्योरी है, लास्ट क्लास की लास्ट थ्योरी है, इसके बाद थ्योरी नहीं होगी, सब प्रैक्टिकल ही होगा। तो टाइप क्या होता है मैक्रो के, तो मैक्रो के जो टाइप होता है वो होते हैं तीन तरह के, पब्लिक मैक्रो, इसके बाद आता है पर्सनल मैक्रो, और आता है हमारा इवेंट मैक्रो। पब्लिक को हम लोग एडिंस भी करते कहते हैं, तो इसलिए समझाते हैं पब्लिक मैक्रो क्या हुआ। देखिए अभी हमने क्या किया, मैक्रो लिया और यहां से लिया और रन कर, रन हो जाएगा ये फाइल, okay. मैं बुक फोर का फाइल मैंने आपको भेजा, आप भी गए माइक्रोज में और रन कर सकते हैं या बटन पे क्लिक करके रन कर सकते हैं सिंपली, क्यों, क्योंकि तो इसकी जो कोडिंग है मॉड्यूल्स वन में है इसी फाइल के अंदर, राइट सर, इसी फाइल के अंदर है, तो आप इसको इजीली से रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जहां जहां मेरा फाइल जाएगा, जो जो पर्सन मेरी फाइल को एक्सेस करेगा वो सब इस कोड को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर मेरा फाइल खुला हुआ है और मैं दूसरे फाइलों के ऊपर इस माइक्रो को रन करना चाहता हूं तो मैं रन कर सकता हूं, ठीक है। तो जो पब्लिक माइक्रो है वो फाइल के बैकग्राउंड में सेव होता है, जहां जहां फाइल ट्रेवल करती है वो सारे लोग जो फाइल एक्सेस करते हैं इस माइक्रो को एक्सेस कर सकते हैं। जब तक मेरा माइक्रो खुला है तब तक मैं किसी भी फाइल के ऊपर हम रन कर सकते हैं,
लेकिन जैसे ही मैं फाइल को क्लोज करूंगा क्या होगा, मेरा मैक्रो रन नहीं होगा। जैसे ही फाइल को क्लोज करूंगा मेरा मैक्रो रन नहीं होगा, क्योंकि मैक्रो की कोडिंग की इंफॉर्मेशन बुक फोर में थी और बुक फोर को मैंने क्लोज कर दिया, जाहिर सी बात है कि रन नहीं होगा, कोड ही नहीं मिलेगा उसको। बट पर्सनल मैक्रो में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए आप एक ऐसा टूल्स बनाना चाहते हो जिसका यूज कर सको। जैसे आपने बोला कि मुझे एक टूल चाहिए कि डेटा सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली 5 पिवट बन जाता है। अब अगर आपने उसको पब्लिक मैक्रो में लिख दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको जिस डेटा का अप्लाई करना है उस डेटा को खोल के फिर जिस फाइल में आपने वो माइक्रो रिकॉर्ड या कोड किया है उस फाइल को ओपन करके फिर मैक्रो रन कर, समझे सर? ये पॉइंट को समझा नहीं मैंने आपको। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, इसके लिए मुझे फाइल को सेव कर। कि मैं ये डेटा दिख रहा है, राइट सर? दिख रहा है डेटा? अब मैं मेरे पास मान लीजिए कि अगले दिन किसी और का डेट कोई और डेटा आ गया, ये तो सिर्फ मेरा एक डेटा था, अगले दिन मेरे पास कोई और डेटा आ गया जिसे देखिए 2010 का था, मान लीजिए वो हमारा 2022 का डेटा, राइट सर? और okay. मैंने जो जिस पे मैक्रो बनाया था उस मैक्रो फाइल को कर दिया क्लोज। अब मैं चाहता हूं कि वो जो मैक्रो बनाया था जो कि जोन वाइज डेटा अलग फाइल में सेपरेट कर देता है उसको इस बुक 8 पे रन कर, तो मैं जाऊंगा डेवलपर में माइक्रोज में देखूंगा कोई मैक्रो ही नहीं। क्योंकि हमने जिस फाइल पे माइक्रो बनाया था उस फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया, तो मुझे अगर वो माइक्रो रन करना है तो मुझे सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना, ओपन किए। अब मैं बुक 8 पे आया या बुक 8 पे आ गया, फिर माइक्रोज पे गया, अब मैं यहां से उस माइक्रो को रन कर सकता। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब समझे कि अगर आप कोई फीचर क्रिएट करना चाहते हैं कोई एक ऐसा जो एक्सेल के ऑप्शन की तरह हो, जैसे कि बाकी के ऑप्शन है आपको कॉपी पेस्ट करना, पिवट लगाना, फिल्टर लगाना, फॉर्मूला लगाना, इस तरह कुछ बनाना चाहते हैं तो आप पब्लिक मैक्रो में अवॉइड करें। समझ आया? पब्लिक वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक मैक्रो क्रिएट करने के टाइम, पब्लिक मैक्रो कैसे पता होगा ये पब्लिक मैक्रो है और प्राइवेट मैक्रो? जब आप मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पब्लिक होता है, या रिकॉर्ड करते समय दिस वर्कबुक सेलेक्ट है तो आपका पब्लिक मैक्रो। ओके, आपने गए इसमें गए, आपने एक मॉड्यूल्स को इंसर्ट किया, यहां से इंसर्ट करने के बाद इस पे आपने कोडिंग किया तो दिस इज द पब्लिक मैक्रो। ओके ठीक है। ओके अब आपको पर्सनल मैक्रो बनाना है तो रिकॉर्ड करते समय यहाँ दिस वर्कबुक को यहाँ पर्सनल करना पड़ेगा, तब जाके पर्सनल मैक्रो बनेगा, या फिर पब्लिक मैक्रो को ही सेव एज करके एडिंग्स के रूप में निकाल के फिर उसको हमें एक्सेल में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो पर्सनल मैक्रो के अंदर यूज होता है। देखिए जब पर्सनल मैक्रो करते हैं ना तो क्या होता है कि आपकी जो कोडिंग है ना ये इस फाइल में ऐड नहीं होती, जिस फाइल में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस फाइल के अंदर वो सेव ही नहीं करता है। वो सेव कहाँ करता है? वो सेव करता है ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर। ओके ओके समझ गए? वो सेव कहाँ करता है? ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर। ओके, उसके एडिन में ऑफिस का एडिन में ऐड हो गया था, बट मेरे को मॉडिफिकेशन करना है पर्सनल मैक्रो में। वन मंथ के बाद मैंने मैक्रो अपडेट होने के बाद मैं मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं। एडिंग का एक्सेस है तो आप कर सकते हैं, एडिंग का एक्सेस नहीं है तो नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहां पे गया
एडिंस पे, मेरे पास एक एडिंस है वो पे गया, जैसे सोल्वर एडिंस दिख रहा है ऐसे, मुझे किसने दिया है, मैंने ओके कर दिया। अब इसकी विजुअल बेसिक पे जाएंगे तो सोल्वर आपको यहाँ दिखेगा, दिख रहा है सोल्वर, दिख रहा है सर सोल्वर प्रोजेक्ट दिख रहा है ना सर, यहाँ पे दिख रहा है। मैं इस पर डबल क्लिक करने जाऊंगा, मुझसे पासवर्ड पूछे, अब मुझे इसका पासवर्ड पता है तो खोल के मैं इसका एक्सेस करूंगा, पासवर्ड पता नहीं है तो मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। ओके समझ गए? समझ तो एडिंस का वही होता है, एडिंस वो आप ऐड कर लेते हैं तो आपकी स्कीम इसमें भी आ जाता है लिस्ट में, अगर आपके पास एक्सेस है तो कर सकते हैं, तो भाई नहीं कर सकते। तो पर्सनल माइक्रो की सलाह मैं नहीं देता, क्योंकि एक बार पर्सनल माइक्रो रिकॉर्ड कर लेते तो हमेशा हो जाता है, उसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत लेंदी तरीका है रिमूव करने का। इसलिए पर्सनल माइक्रो ने एडिंस आपको रिकमेंड करते हैं। फिर आता है आपका इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो क्या होता है? पर्सनल माइक्रो में रिकमेंड नहीं करते हैं ना, रिकमेंड नहीं करते ना, पर्सनल माइक्रो जगह पे एडिंस लेते हैं। ओके, कौन सा सिनेरियो में हमें पर्सनल माइक्रो क्या होता है? पर्सनल माइक्रो क्या करता है, ऑफिस लाइब्रेरी में कोड सेव कर देता है, तो कोड के अंदर चेंजिंग करना हो गया, कोड किसी को भेजना हो गया, तो दिक्कत होता है, क्योंकि आप जो पब्लिक पर्सनल माइक्रो या एडिंस बनाते हैं तो अगर आप किसी फाइल पे अप्लाई किए तो वो फाइल किसी को भेजे तो उसके पास वो माइक्रो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे आपने एक फॉर्मूला बना दिया करेंसी टू टेक्स्ट, जो कि करेंसी को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि वो आपने लिखा 514 तो 514 लिख देता है, तो आपने उसको एडिंस में डाल दिया या पर्सनल माइक्रो में डाल दिया, आपने अपने फाइल पे इस्तेमाल करके किसी को भेज दिया, तो जिसको आपने भेजा वो उसमें वो फीचर अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोडिंग तो आपके सिस्टम पे रह गई ना, फाइल के साथ थोड़ी गई। इसीलिए हम पब्लिक माइक्रो इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब फाइल हम भेजे तो फाइल के साथ उसका कोड भी जाए और जो फीचर हमने अपने यहाँ पे अप्लाई किया है वो उसके पास भी इम्प्लीमेंट हो। समझे? समझ गया जी। अब बारी आती है इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। देखिए इवेंट माइक्रो प्रोग्राम, जैसे आप पब्लिक माइक्रो या पर्सनल माइक्रो बनाओ तो आपको माइक्रो में जाके या किसी बटन पे क्लिक करके आपको रन करना पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा काम एक इवेंट पे हो, जैसे मैं चाहता हूँ मैं जहाँ क्लिक करूँ वो कलर हो जाए, तो कलर का कोड कब रन होगा ये डिपेंड करता है कि मैं क्लिक कब कर रहा हूँ और कहाँ कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम इवेंट माइक्रो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जिस पे इवेंट बनाना है उस पर राइट क्लिक करके जाते हैं व्यू कोड, यहाँ से लोकेशन चूज करते हैं कि वर्कशीट, और यहाँ से एक्शन चूज करते हैं कि कब चलना चाहिए, तो मैंने बोला सिलेक्शन चेंज। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया कि टारगेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा वो रेड हो जाएगा, इसको बोलते हैं इवेंट माइक्रो। जैसे कि आप चाहते हैं कि जब कोई मेरा फाइल खोले तो यूजर नेम पासवर्ड दिखाए, आप चाहते हैं जब कोई फाइल खोले तो 30 दिन बाद एक्सपायर हो जाए, एक्सपायरी चेक कर ले कि 30 दिन तो नहीं हुए, 30 दिन हुआ तो फाइल को एक्सपायर कर दे। आप चाहते हैं जैसे मैं कहीं पर टाइप करूँ तो ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम आ जाए, या कहीं पर कुछ करूँ तो कुछ हो जाए, उस इस केस में हम इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर। ये पब्लिक माइक्रो होगा ना, ये इवेंट माइक्रो पब्लिक माइक्रो होगा ना? इसको प्राइवेट माइक्रो बोलते हैं, पब्लिक नहीं, इसको प्राइवेट माइक्रो बोलते हैं। प्राइवेट मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे मैंने अभी सीट 3 पे जो कोडिंग किया वो सीट 3 के लिए है, सीट 2 पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके ओके, और जो कोडिंग है वो सीट 3 में ही सेव है, अगर मैंने सीट 3 को डिलीट कर दिया तो कोड भी डिलीट हो जाए। ओके, समझ गए? समझ। ये थी हमारी टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में जो कि हमने आपको बताया। अब एक फाइल में आपको भेज देता हूं ताकि आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर ले। इसके अंदर कोड है, कोड निकाल लीजिएगा, मैं जैसा मैंने किया है वैसा करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ओके, एक्सेल फाइल भेज दीजिए, मैंने प्रैक्टिस करता हूं। हाँ, कल से जो हम बात करेंगे, कल से बात करेंगे किस तरीके से हम कोड लिखेंगे, कोड क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेंबर क्या है, किसको कैसे करते हैं, इस सारी चीजों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।
ठीक है। ओके डन। एक चीज है, मैंने परसों में एक इंटरव्यू अटेंड हुआ था,